चाहत का एंगल थोड़ा ज्यादा आया था तो इसके लिए I'm talking about that. तो ये हुआ था कि यू नो हाउ ये करणवीर ने भी काफी बार कहा था कि एक फीमेल की हाइजीन को लेकर इतने बड़े लेवल पे बात करना वट एक्सैक्टली exactly क्या कुछ व्यूवर्स ने मिस इंटरप्रेट किया वॉशरूम इंसिडेंट ऑनली जो पहली बार हुआ था चाहत की हाइजीन को लेके। पहली आ, अच्छा ओके okay, हाँ, दिखा पहली बार होगा हाँ, जो हाँ, हमने तो दिखा, में जी, है, okay, जी. दिखा पहली बार होगा लेकिन वो वो स्टार्टिंग से हो रहा था और वो कई दफा हो चुका था okay. और घर के कई सारे मेंबर्स परेशान भी थे उस चीज को लेके ओके okay. एक पॉइंट ऐसा आ गया था पहले हम आ, पहले आ, चाहत को कई बार जाके बोला जाता था कि चाहत यू नो दिस इज नॉट द वे डोंट डू दिस दिस इज़ नॉट द वे डोंट और अलग अलग में ऐसा हो रहा था hmm. कि प्लीज़ डोंट डू दिस दिस इज़ नॉट द वे एंड एक पॉइंट पे सब लोग थक गए थे तो hmm. 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 so, कैसे बार बार सिखाया जाए कोई मतलब आपको समझ जाना चाहिए ना यू शुड जस्ट इम्प्रूव तो एक हम थक गए, गए, गए थे

आखिरी सवाल आप जब बिग बॉस में चले गए थे उसके बाद यू शॉर्ट सम क्लोथिंग लाइन फॉर दीपिका mm -hmm. हाँ और वो फिर आया इंस्टा पे एंड इट वाज ऑल ब्यूटीफुल एंड ऑफ कोर्स यू पीपल हैव एन एसोसिएशन फॉर अ शो

स्प्रेड uh, उनको लगता है कि अब uh, नेमलेस फेसलेस लोग ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे बैठ के बस uh, हर तरह से हेटरेड ही स्प्रेड करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि घूम के उनके ऊपर कुछ नहीं आएगा बहुत ही आसान सा तरीका है तो चलो कर दो फेस टू फेस आके शायद लोग ना बोल पाए या ना बोले लेकिन ये एक ईजी वे आउट है तो लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए करते रहते हैं आई थिंक इन लोग बस इग्नोर करना चाहिए ओके आपको पता है आप लोग मेरे लिए कितनेट हो और uh, मेरी बिग बॉस जर्नी के वक्त जब मैं एबसेंट थी मैं बाहर नहीं थी तभी आप लोगों ने मुझे इतना सारा सपोर्ट दिया इतना सारा प्यार दिया um, और मुझे प्रोटेक्ट भी किया तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव राइट पैकेट यू और अब आप मुझे कहाँ देख सकते हैं वेल uh, well, बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा